महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मौत के बाद से वहां की राज्य सरकार अब एक्टिव हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि हर हालत में मजदूरों को उनके गांव सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। साथ ही अजीत पवार ने प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष दस्ता बनाने की घोषणा की है। पवार ने मजदूरों से धैर्य रखने तथा अपने गृह राज्यों की ओर जाने के लिए इस तरह की जोखिम भरी यात्राएं नहीं करने का आग्रह किया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी मजदूर धीरज रखें, महाराष्ट्र सरकार की ओर से दूसरे राज्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेन रवाना करने की कोशिश की जा रही है। राज्य के औरंगाबाद जिले में रेल की पटरियों पर सो रहे 16 प्रवासी मजदूरों की शुक्रवार की सुबह मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई।